डियर स्टूडेंट कोर्स जी पी बी थ्री वन वन क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीब के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज सो लेट वी स्टार्ट द हाइब्रिड सीड मे बी प्रोड्यूस्ड बाई क्रॉसिंग फीमेल एंड मेल लाइन्स एंड हार्वेस्टिंग द फीमेल लाइन ओनली in maize hybrid seed system there is no requirement of male sterility system in female plants hybrid seed of maize may be generally produced from following different cross combinations as single cross hybrids a cross with b double cross hybrids a cross with b and C cross with D and both of single crosses may be again crossed. Three way cross, A cross with B, one single cross and it crossed again with C. Double top cross, A crossed with B and this single cross again crossed with a composite. राइटी Here all A, B, C, D etc are the inbred lines, and likewise some other crosses may also be there. सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि मेज में हाइब्रिड शीड प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से कारक हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं जो प्रभावित करते हैं तो जिन बातों का हमें एज ए ब्रीडर ध्यान रखना चाहिए हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते समय तो ये इंपॉर्टेंट है नंबर वन प्लांटिंग रेशियो जनरली फोर इंस टू 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 सिक्स इंस टू टू जैसा कि सिंगल क्रॉस से डबल क्रोस हाइब्रिड जैसा भी अपने को तैयार करना है तो फीमेल टू मेल रेशियो चार अनुपात दो से छह अनुपात दो के बीच में रखा जाता है एक इस बात का ध्यान रखते हैं प्रॉपर प्लांटिंग रेशियो मेल टू फीमेल होना चाहिए नंबर टू नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग एज गुड सीड सेट इन सीड पेरेंट कैन बी अचीव बाय क्रोनोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ पोलन शेडिंग एंड सिल्किंग रेस्पेक्टिवली इसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इनमें जो डिफरेंसेस है टेसल में पोलन डेवलपमेंट का और सिल्किंग यानी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज पोलन ग्रेन और गाइनोशियम रेस्पेक्टिवली और स्टिग्मा दे शुड बी मैच्योर एट साइबलटेनिस और दिस शुड बी एडजस्टमेंट made by the breeder number third genetic drift the danger of genetic change in respect of cross-pollinated crops like maize is predominant it also affects the quality of hybrid seed number four detestling the time taken for shedding of pollen from the tassel ज वन टू टू डेज आफ्टर इमरजेंस शुड बी रिमूव बिफोर द शेडिंग ऑफ पोलन अदरवाइज क्वालिटी विल ऑफ़ सीड एंड टू बी टेकन वाइल डिटेस्लिंग आर ऐसे बहुत सारी सावधानियां हैं जो डिटेस्लिंग करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए जिनमें प्रमुख प्रमुख सावधानियां निम्न प्रकार से हैं नंबर वन होल्ड द स्टेम होल्ड द स्टेम बिलो द बूट लीफ बाई लेफ्ट हैंड एंड द बेस ऑफ टेसल बाई राइट हैंड एंड पुल इट इन ए सिंगल पुल हम उसको दाहिने हाथ से बूट लीफ के वहां से पकड़ेंगे और सीधे हाथ से बाएं हाथ से तो पकड़ेंगे बूट लीफ के यहां से और सीधे हाथ से दाएं हाथ से उसके टेसल को एक ही बार में उसको खींच करके बाहर सिंगल पुल में बाहर कर देंगे नंबर टू नो पार्ट ऑफ टेसल शुड बी लेफ्ट ऑन द प्लांट एज इट कैन कॉज एज कंटेबिनेशन टैसल का कोई भी भाग हमें उसमें छोड़ना नहीं चाहिए कंप्लीट रूप से उसको रिमूव करना चाहिए नंबर थर्ड इट शुड बी यूनिफॉर्म प्रोसेस डन डेली इन मॉर्निंग आवर्स ये एकदम सतत और लगातार समान प्रकार से किए जाने वाली कार्य विधि है जो डेली के आधार पे, रोजना के आधार पे नियमित रूप से सुबह के समय करनी चाहिए नेक्स्ट डू नॉट ब्रेक और डैमेज द टॉप लीफ और बूट लीफ वो उसको टेसल को रिमूव करते समय हमें टॉप लीफ या बूट लीफ को क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए इससे बहुत उपज पर प्रभाव पड़ता है डिटेसल्ड ओनली आफ्टर एंटायर टेसल हैज़ कम आउट एंड इमेच्योर डिटेस्लिंग मे कोजेज ईड लॉस एंड लीड टू कंटेमनेशन यानी उसको बिल्कुल प्रोपर समय पर ही हमें डिटेसल करना चाहिए नेक्स्ट डू नॉट कैरी द टेसल आउट द फील्ड एज एनी फॉलो पोलन में लीड टू कंटेमिनेशन यानी एक बार डिटेसलिंग कर दी जो टेसल आया हाथ में उसको अपने को ले लेकर के साथ में लेकर के फील्ड में नहीं घूमना है उसको तत्काल ही कोई कंटेनर में अपने को उसको इकट्ठे करते रहना है ताकि उसको हाथ में लेकर के अपन चलेंगे तो कहीं ना कहीं, कहीं कंटेमिनेशन का उसमें अंदेशा रहेगा पोलग्रेन वहां गिर सकते हैं कहीं भी डी के बाद में फिफ्थ पॉइंट है मैकेनिकल मिक्सर इस सब का भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्तर पर मैकेनिकल मिक्सर नहीं होना चाहिए मैकेनिकल मिक्सर शुड अवॉइडेड बाय टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस एट हार्वेस्टिंग सीड सेटिंग एट बैगिंग एंड स्टोरेज पैकेजेज ऑपरेशंस इन सब स्टेज पर इन सब स्थितियों पर इन सब समय पर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो मैकेनिक मिक्सर नहीं होगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ सीड डिटोरेंट नहीं हो पाएगी नेक्स्ट पॉइंट रोगिंग बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट एंड डायग्नोस्टिक फर्निश्ड बाय द ब्रीडर रोगिंग हैज टू बी परफॉर्म्ड एट सीडलिंग स्टेज फ्लोरिंग स्टेज एंड एट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग रोगिंग भी एक सतत प्रक्रिया है और इसको हमें समय समय पर सीडलिंग स्टेज पर फ्लावरिंग स्टेज पर और हार्वेस्टिंग स्टेज पर जो भी उसके लक्षण है पौधे के जो ब्रिडर के द्वारा निर्धारित किए गए उनको देख करके अलग प्रकार से के पौधों को पहचान करके उनको समय समय पर हटाना चाहिए ये रोगिंग कहलाती है नंबर पॉइंट सेवन फिजियोलॉजिकल मैच्यूरिटी ऑफ क्रॉप इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए पूरा द क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड एट प्रॉपर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी टू मिनिमाइज क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव लोसेस द सिमटम्स ऑफ मैच्योरिटी आर द डिजनरेशन फॉर्मेशन ऑफ ड्रंकन लेयर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड एंड कोब शेथ टर्न येलो ऐसी और पिछहत्तर परसेंट के आसपास में मॉइस्चर कंटेंट हो और कोब शेथ का जो कलर है वो येलो में बदल जाए तो इस प्रकार की स्थिति बनने पर ही एक तरह से फिजियोलॉजिकल मेचोरिटी है और उसी समय हमें हार्वेस्ट करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट हार्वेस्ट सीड क्रॉप द सीड क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ़ सीड फॉल अप टू ट्वेंटी टू 25 फाइव परसेंट एंड हार्वेस्टिंग द मेल रोज फर्स्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम द फील्ड एंड देन स्टार्ट हार्वेस्टिंग ऑफ द फीमेल रोज तो 20 से 25 परसेंट प्रतिशत जब नमी हो सीड में तब हमें फाइनली हार्वेस्ट करना चाहिए उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए फिजियोलॉजिकल मेचोरिटी लेवल पर उसको पहचान लेना चाहिए और ये हार्वेस्ट करते समय मेल रोज़ को पहले हार्वेस्ट करेंगे अपन और उनको मेल रोज़ को हार्वेस्ट करके उनको हम फील्ड से हटा देंगे बिल्कुल रिमूव कर देंगे उसके बाद ही हम फीमेल रोज़ को हार्वेस्ट करेंगे और यही फीमेल रोज़ से जो हार्वेस्ट मिलेगा दैट इज़ द हाइब्रिड सीड तो इस प्रकार से इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम अपनी जो क्वालिटी है हाइब्रिड सीड की उसको मेंटेन करेंगे उसकी प्योरिटी को मेंटेन करेंगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो डिटेल इसका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो कैसे होती है उसको करेंगे थैंक यू